NTAUGCNET यानी इमेजिनेट डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इमेजिनेट पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन क्लास वन। इसमें हम जानेंगे कि संचार क्या है, संचार का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इससे रिलेटेड हमारे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं कि संचार के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, संचार की विशेषता क्या है। और दोस्तों सबसे पहले हम इस क्लास में थ्योरी करेंगे, उसके बाद में आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं 2012 से लेके 2023, वो सभी क्वेश्चन आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। दोस्तों ये क्लास हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्लास को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में UGC NET JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोस हैं ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई हैं। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पाँच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कम्प्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात कि जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि संचार क्या है। देखिए संचार को हम सबसे पहले आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। संचार क्या होता है दोस्तों? कम्युनिकेशन करना किसी भी व्यक्ति से, किसी भी मनुष्य से या किसी भी चीज से, जैसे एनिमल से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है वो भी आपस में। देखिए जब एक छोटा सा बच्चा होता है, 2 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, उसे कोई लैंग्वेज नहीं आती लेकिन फिर भी वो संचार करता है। अगर उसे भूख लगती है तो वो रो के बताता भी मेरे को भूख लगी हुई। तो इस तरह से जब हम जन्म लेते हैं तब से लेकर और जब तक मरते हैं तब तक हमारा संचार चलता रहता है। और दूसरी बात यह कि नॉन लिविंग थिंग्स किस तरह से संचार करती है वो मैं आपको बता। जैसे मान के चलिए किसी होटल में गए हुए हैं और वहाँ पे अगर आग लग जाती है तो आग लगने पे क्या है कि वहाँ पे जो सायरन होता है वो सायरन बजने लगता है और वो सायरन क्या करेगा, दूसरी डिवाइस को इंडिकेशन देगा भाई यहाँ पे आग लग गई है। तो उस सायरन को सुन के दूसरी जो डिवाइस है वो वहाँ पे पानी की बौछार करने, यानी कि एक मशीन दूसरी मशीन के अकॉर्डिंग काम करने लगे, उसके कम्युनिकेशन को रिस्पोंड करके कुछ एक्टिविटी करने लगे, तो उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स कम्युनिकेशन। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि संचार जो है केवल मनुष्य करता है, मनुष्य के अलावा पेड़ पौधे भी संचार करते हैं, पशु पक्षी संचार करते हैं आपस में। तो जो संचार है, संचार हमेशा चलता रहता है, पूरी प्रकृति में संचार चलता रहता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, संचार उसकी प्रकृति है। अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करना उसकी जन्मजान प्रकृति है। देखिए संचार के अंदर क्या होता है, संचार के अंदर किसी सूचना जानकारी को दूसरों तक पहुंचाना संचार है। जब मनुष्य अपने हाव भाव संकेत और वाणी के माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान करता है संचार बोलते। और एक चीज़ और, संचार जो है हमारा काफ़ी तरह का हो सकता है, जैसे हम बोल के संचार करते हैं, लिखित में संचार करते हैं और हमारे इशारों से संचार करते हैं और बॉडी लैंग्वेज होती है,
काफी तरह का संचार है हमारा, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको यूजीसी नेट पेपर सेकंड सभी सब्जेक्ट के 2012 से लेके 2023 तक क्वेश्चन पेपर चाहिए विद ऑफिशियल आंसर की और आंसर टिक, तो आप हमारी वेबसाइट nimiji.net जरूर विजिट करना। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ स्टडी नोट्स भी मिलने वाले हैं। अगर आपको स्टडी नोट्स भी चाहिए प्लस में लाइव मॉक टेस्ट भी लेने हैं तो हमारी वेबसाइट nimiji.net जरूर विजिट करना। थैंक यू दोस्तों। अभी हम बात करने वाले हैं संचार क्या है। देखिए संचार की जो परिभाषा है वो हम देखते हैं, और काफ़ी बार क्वेश्चन आता है हमारा कम्युनिकेशन शब्द से क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन शब्द लेटिन भाषा के कम्युनस से बना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों, कि जो कम्युनिकेशन है वो लेटिन भाषा के कम्युनस से बना है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि कम्युनस का अर्थ क्या है, तो कम्युनस का अर्थ है जिसका अर्थ है टू इम्पार्ट मेक कॉमन, ये इसका अर्थ है। अभी मैं एग्जाम देके आया था एक, तो चंडीगढ़ एग्जाम देके आया था, तो उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कम्युनस का क्या अर्थ है, वो उन्होंने पूछ लिया था। तो कई बार इतने बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। मन के विचारों व भावनाओं का आदान प्रदान करना, अपने विचार को सर्व सामान्य बनाकर दूसरों के साथ बांटना ही संचार। एक चीज़ और यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि संचार ऐसा होना चाहिए जो जिस व्यक्ति तक हम कम्युनिकेशन करना चाहते हैं उस व्यक्ति को उसका अर्थ पता चलना जरूरी है। किसी और को पता चले या ना चले, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको उस जो हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसका मतलब पता होना उसको ज़रूरी है। कई बार क्या करते हैं, हम कोडवर्ड में बात करते हैं अपने दोस्तों से, तो वो कोडवर्ड की बातें कोई और नहीं समझ पाता, लेकिन अपना दोस्त उस चीज़ को समझ पाता है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर उस बात को अपना दोस्त भी ना समझे तो वो संचार नहीं हो। तो संचार ऐसा होता है जिसके अंदर जो हम बातें बोल रहे हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग निकलना ज़रूरी है जिस व्यक्ति तक हम बातें पहुंचा रहे हैं। और संचार के बाद में हम और चीज़ें देखें। देखिए संचार की कई यहाँ पे डेफिनेशन भी दी हुई है, अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट यहाँ से आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। अब जैसे हम बीबर के अनुसार देख लेते हैं, वे सभी तरीके जिनके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को प्रभावित करता है संचार के अंतर्गत आता है। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग थिंकर्स हैं, उनकी अलग अलग थ्योरी हो सकते हैं, अलग अलग सोचना हो सकता है। अब इन्होंने तो क्या कहा है कि मानव की बात की है, एक मानव दूसरे मानव को प्रभावित करता है किसी भी तरीके से, तो उसको हम संचार बोलते हैं। बट मानव के अलावा भी तो संचार होता है ना। मैंने अभी बताया था कि एक मशीन दूसरे मशीन के साथ और जो जानवर है वो भी कम्युनिकेशन, पेड़ पौधे भी कम्युनिकेशन। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की क्या प्रकृति हो सकती है। देखिए सबसे पहले संचार एक विज्ञान एवं कला दोनों है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, निम्नलिखित में से संचार की कौन सी प्रकृति है या नहीं है, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए संचार एक विज्ञान और कला दोनों है। साइंस कैसे आज हमने कम्युनिकेशन में काफ़ी एडवांस चीज़ें ले आए हैं, हमारे पास डिवाइसेस है, मोबाइल फ़ोन है, हम हज़ारों किलोमीटर दूर रह के बातचीत कर, ये तो होगी अपनी साइंस। और आर्ट कैसे है, आर्ट के अंदर हम कई बार बोलने का तरीका किसी का बहुत अच्छा होता है, वो हमें प्रभावित कर लेता है। किसी के भाषण देने का तरीका बहुत अच्छा होता ना, तो ये होता है आर्ट के अंदर। आर्ट में यानी कि अपनी बोलने की कला से किसी को प्रभावित कर लेना। फिर संचार एक जन्मजात गुण है। देखिए संचार जो है जब हम जन्म लेते तभी से हमारे अंदर होता है। संचार के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज सीखनी ही ज़रूरी है, ये कोई ज़रूरी नहीं। बिना लैंग्वेज के भी हम संचार कर सकते हैं, इशारों में संचार कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें दिखा के हम संचार कर सकते हैं। तो काफ़ी तरीके हैं जिनसे संचार कर सकते हैं। संचार एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो वहाँ पे हमें संचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विदाउट संचार के हम नहीं रह सकते। संचार एक मानवीय प्रक्रिया है। अब ये देखो कम्युनिकेशन इज ए ह्यूमन प्रोसेस। अब ह्यूमन प्रोसेस इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको इसलिए बोल रहे हैं जो ह्यूमन है, ह्यूमन ने कम्युनिकेशन के लिए नई नई चीज़ें डेवलप की है। अब देखिए जैसे वो है हमारे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, वो तो बेचारे जो पहले संचार करते थे वैसा ही कर रहे, उन्होंने तो कोई नई टेक्नोलॉजी विकसित नहीं। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि मानव ने अलग अलग नई टेक्नोलॉजी विकसित की, संचार को मॉडिफाई किया।
संचार एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संचार एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। इसको हम कहीं भी कर सकते हैं, दुनिया के किसी कोने में जाके कर सकते हैं, चाहे हमें कोई लैंग्वेज आ रही हो या नहीं आ रही हो, हम इशारों से भी संचार। इसके बाद हम बात करें दोस्तों संचार की विशेषताएं क्या है। संचार के अंदर मुख्य रूप से पांच तत्व होते हैं दोस्तों, ये पांच एलिमेंट होना जरूरी है, और यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। देखिए संचार को, संचार में सबसे पहले होता है एक सेंडर होता है, जो मैसेज सेंड करने के लिए जरूरी होता है। जैसे कोई वक्ता हो गया, लेखक हो गया, संदेश वाहक जिसको बोलते हैं सेंडर। फिर है हमारा मैसेज, वो सेंडर क्या मैसेज भेजेगा वो हमें पता होना जरूरी है। उसके बाद में मीडियम, किसके जरिए वो लेटर लिख के भेज रहा है, वो फोन कॉल के जरिए किसी को संदेश भेज रहा है, कैसे भेज रहा है ये। और उसके बाद में रिसीवर, रिसीवर यानी कि उस संचार को प्राप्त करने वाला, तो वो हो गया हमारा रिसीवर। और उसके बाद में होता है फीडबैक। देखिए जब तक हमारा कम्युनिकेशन में फीडबैक ना हो तब तक उसको कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं माना जाता। कंप्लीट कम्युनिकेशन के लिए फीडबैक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये देखिए कई बार इसमें सीक्वेंस पूछ ली जाती है, संचार की क्या सीक्वेंस है वो बताइए। तो सेंडर, मैसेज, मीडियम, मीडियम को चैनल भी बोलते हैं, रिसीवर और फीडबैक। सेंडर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, फीडबैक, इसको SMCR भी बोलते हैं। SMCR, SMCR का मतलब क्या हुआ? सेंडर, मैसेज, चैनल और रिसीवर। SMCR मॉडल भी है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर और लास्ट में हमारा फीडबैक होगा। अगर हम इसके अलावा बात करें तो दोस्तों संचार के अंदर और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। देखिए मैं आपको थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ, कम्युनिकेशन प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसमें ये देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेस हमारी यहाँ पे क्या है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में और भी एलिमेंट शामिल हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए ये एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे ये जो सेंडर है, सेंडर यानी कि जो संदेश भेजने वाला है, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको एक तो हो गया सेंडर हो गया, एक इसको सोर्स भी बोल सकते हैं, इसको एनकोडर भी बोल सकते हैं, और इसको कई अलग अलग नामों से बोला जाता है। और देखिए इसका मतलब सिंपल सा ये है, जो व्यक्ति जो चीज़ इंफॉर्मेशन भेजे उसको हम बोलेंगे सोर्स या सेंडर बोलेंगे। और ये देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति है, यहाँ पे ये बोल रहा है कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके आना है, ठीक है 217 लेके आना है। अब देखो एनकोडिंग किसको बोलते हैं? एनकोडिंग का मतलब होता है इस मैसेज को एनकोड करना। इन्होंने इशारों में बात कही है। हम कई बार अपने दोस्त को कोड वर्ड में चीज़ें बताते हैं ना, तो वो क्या हो गया एनकोडिंग करना हो गया, किस मैसेज को इस तरह से डिजाइन करना जिस वे में अगला व्यक्ति उसको समझ सके। अब एनकोडिंग का यहाँ पे दो मतलब होता है, एक मतलब तो ये हो गया कोड वर्ड में अपनी बातों को सेट करना, और दूसरा तरीका क्या होता है एनकोडिंग का, कि हमारे कम्युनिकेशन को इस वे में कन्वर्ट करना जिस वे में अगला व्यक्ति उसको लेना चाह रहा है। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये बंदा मोबाइल में बात कर रहा है, ठीक है, इसका जो मोबाइल है, मोबाइल क्या करेगा, ये बंदा ये बोल रहा है यहाँ पे, ये इसकी वॉइस है। अब ये मोबाइल क्या करेगा, मोबाइल इसकी वॉइस को कन्वर्ट करेगा सिग्नल्स में, सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम एनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि सिग्नल्स में कन्वर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि इस लड़की का जो मोबाइल है वो किस चीज़ को जानता है, वो जानता है सिग्नल्स को, जानता है सिग्नल्स को पकड़ेगा और उन सिग्नल्स को फिर वो इसमें कन्वर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा एनकोडिंग। एनकोडिंग के मतलब यहाँ पे दो हो गए, एक तो मतलब हो गया कोड वर्ड में उसको कन्वर्ट करना, दूसरा ट्रांसमिशन के लिए उसको कन्वर्ट करना, ये चीज़ होगी हमारी एनकोडिंग। फिर हम बात करते हैं मैसेज। मैसेज आपको पता ही है, जब भी हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा हम जो अगले को बताना चाह रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं चैनल। चैनल में हो सकता है हमारा रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, मोबाइल फ़ोन, कोई भी हमारा चैनल हो सकता है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। और इसी दौरान हमारी एक और चीज़ आती है, वो आती है नॉइज़ आती है। नॉइज़ के अंदर जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उस दौरान कुछ ना कुछ व्यवधान आ जाते हैं। जैसे हम कल क्लास ले रहे थे तो उसमें पीछे DJ बज रहा था, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो इस वजह से हमें क्लास बीच में छोड़नी पड़ी। तो नॉइज़ हमारी काफ़ी तरह की हो सकती है। कई बार जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होने लगती है, काफ़ी तरह की हमारी नॉइज़ हो सकती है, और इसको हम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये हम आगे वाले क्लास में करेंगे स्पेशल, उसमें से भी हमारे काफ़ी काम में आए हुए हैं। उसके बाद में डिकोडिंग। डिकोडिंग का मतलब मैंने आपको यहाँ पे, फिर वही दो तरीके होंगे इसमें, एनकोडिंग के जो दो तरीके होते हैं,
तरीके डीकोडिंग के। डीकोडिंग का एक तो सबसे पहले जो इसने कोड बताया, कोड को डीकोड करना, ठीक है। 217 इसने कहा कि कल तुम्हें स्कूल में 217 लेके आना है। अब ये लड़की इसको डीकोड करेगी। डीकोड कैसे कैसे करेगी? अच्छा, कल स्कूल में बैग लेके आना है। डीकोड कैसे हुआ ये देखिए। 217 अल्फाबेटिकल रीजनिंग में दो नंबर पे क्या आता है? बी आता है। एक नंबर पे क्या आता है? ए आता है। और 7 नंबर पे आता है जी। तो ये क्या बन गया? बैग। तो ये कंफर्म करने के लिए इसको पूछ रही है, अच्छा कल स्कूल में बैग लेके आना है, ठीक है। तो इसने इसको मैसेज को डी कोड कर ली, तो इसको हम बोलेंगे डी कोडिंग बोलेंगे। और दूसरा इसका मतलब क्या है डी कोडिंग का, मैं बताता हूँ। इसके मोबाइल ने ये क्या है कि सिग्नल्स भेजे, टावर को सिग्नल भेजे, उस टावर ने वो सिग्नल्स फिर इसके फ़ोन को भेजे, इसके फ़ोन ने क्या है कि इन सिग्नल्स को वॉइस में कन्वर्ट किया। तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ना, ये क्या हो गया? डी कोडर हो गया। डी कोडर यानी कि इसने डी कोडिंग कर दी, इसके इंफॉर्मेशन को डी कोड कर दिया। तो ये दो मतलब हो गए यहाँ पे डी कोडिंग, ठीक है। लास्ट में हो गया हमारा रिसीवर हो गया। अब देखो, अब हम इसको सही कम्युनिकेशन कब मानेंगे? जब इसने ये बोला है कि कल स्कूल में बैग लेके आना है, ठीक है, 217 लेके आना है। इस लड़की ने पता कर लिया भाई, हाँ ये बैग की बात कर। अगर ये लड़की उस समझ नहीं पाती भाई यार ये 217 का मतलब क्या है, अगर ये नहीं समझ पाती तो हम कंप्लीट कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। अब देखो इसने कंफर्म कर लिया यहाँ पे, भाई कल क्या लेके आना है? 217 लेके आना है। ये बोलता है कि हाँ कल बैग लेके आना है स्कूल के अंदर, इसने कंफर्म कर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम कंप्लीट कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्लीट कम्युनिकेशन में दो चीज़ें ज़रूरी है। एक तो जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वही मैसेज अगले व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दूसरी बात यह है कि उसमें फीडबैक हो रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें दोस्तों हमारी कम्युनिकेशन के अंदर। तो अभी हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं भाई, ठीक है, करके देखें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और अभी हम 2012 से लेके आज तक जो भी क्वेश्चन हमारे आए हैं वो सभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या ऑर्डर है हमारा? मैंने बताया था ना SMCR, ठीक है, सेंडर मैसेज चैनल रिसीवर। अब देखिए इसके अंदर ऑप्शन 3 है। अब देखो मैंने बोला था सेंडर जो है, सेंडर को हम क्या बोल सकते हैं? सोर्स भी बोल सकते हैं और उसको कम्युनिकेटर भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेटर यानी कि जो मैसेज की शुरुआत कर रहा है, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट। इफेक्ट को हम फीडबैक भी बोल सकते हैं, इफेक्ट भी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, कई बार जो शब्द है वो थोड़े से चेंज हो सकते एग्जाम, आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। उसके बाद में हम बोलते देखो, इन सर्कुलर कम्युनिकेशन द एनकोडर बिकेम डीकोडर व्हेन देयर इज, जब एनकोडर डीकोडर बन जाए, डीकोडर एनकोडर बन जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हमारा फीडबैक होगा। देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये क्या है, ये सबसे पहले मैसेज सेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है, रिसीव करने का काम कर रही है यहाँ पे। बट जब ये इसको कंफर्म करेगी, अच्छा कल स्कूल में बैग लेके आना है, कंफर्म कर दिया, तो अब ये क्या बन गई? सेंडर बन गई। और ये क्या बन गया? ये बन गया रिसीवर, मैसेज को रिसीव करने वाला। अब इनका पासा जो है पलट गया, जब एनकोडर डीकोडर बन जाए, डीकोडर एनकोडर बन जाए, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे अपना फीडबैक होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल। अब देखिए उसके बाद में हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए एक बार फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया, कम्युनिकेशन मॉडल बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, तो उनके बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन मॉडल होगा? तो इसमें भी पर्टिकुलरली हमें सीक्वेंस बतानी है। तो इसका देखिए ऑप्शन ए है। देखिए एनकोडर आएगा सबसे पहले, फिर सिंबल आएगा, फिर मैसेज आएगा और फिर चैनल आएगा। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस देखनी है। उसके बाद में हम और देखते हैं, तो और हमारे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए आपको कई तरह काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। ये देखिए कम्युनिकेशन की सीक्वेंस क्या है वो हमें बतानी है, फिर पहले क्या आया था? ये देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 है। सबसे पहले कम्युनिकेशन आएगा, फिर लैंग्वेज आएगा, फिर सोसाइटी आएगी और फिर सिविलाइजेशन आएगी।
इसको मैं समझाता हूँ आपको। जब पृथ्वी पे मनुष्य ने जन्म लिया, तो जन्म लेते ही तो उसको लैंग्वेज नहीं आती थी। वो सबसे पहले क्या इशारों में बात करता था। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, कम्युनिकेशन आया था सबसे पहले, और उसके बाद में लैंग्वेज का विकास हुआ था। उसने धीरे धीरे एक एक शब्द को सीखना शुरू किया, उसने व्याकरण बनाई, उसने धीरे धीरे फिर सेंटेंस बनाने शुरू किए। तो इस तरह से क्या हुआ, सबसे पहले कम्युनिकेशन आई, फिर लैंग्वेज आई, लैंग्वेज के बाद उसने फिर सोसाइटी बनाई, थोड़ा आ, आ, समाज बनाना उसने शुरू किया, उसके बाद में फिर सिविलाइजेशन हमारी बनी। तो दोस्तों इस तरह के कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपको वहाँ पे कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगानी है, तो पहले क्या आया था, क्या हो सकता है हमारा कम्युनिकेशन में, तो ये चीज़ें हमें देखना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है ये, इसके अंदर भी सीक्वेंस पूछी हुई है, तो इसके ये देखिए ऑप्शन टू है, सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग और रिसीव। ये देखिए आप, तो अब देख सकते हैं दोस्तों हमारे सीक्वेंस से रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और बिल्कुल आसान है अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब उसके बाद में हो, अब और देखते, ये देखिए स्वैपिंग ऑफ एनकोडर डिकोडर। आप देखिए एनकोडर डिकोडर को जो स्थान है एक दूसरे चेंज कर लेते हैं, एनकोडर डिकोडर बन जाता है और डिकोडर एनकोडर बन जाता है, तो वहां पे क्या होगा, फीडबैक होगा। ये सेम क्वेश्चन हम पहले भी करके आए हैं, दोबारा फिर ये हमारा रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, और भी मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, देखते हैं जो हमारे लिए का इम्पोर्टेंट है। ये देखिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये अभी मैं एग्जाम दे के आया था, मैं 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, एक गवर्नमेंटल एग्जाम था कम्युनिकेशन, तो वो दे के आया मास्कॉम, तो उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा हुआ था, इन द लैटिन वर्ड कम्युनिस और कम्युनिकेयर फ्रॉम विच द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव, ये कहाँ से ली गई। द राइट आंसर क्या, मेक कॉमन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, यानी कम्युनिस का मतलब क्या है, हमें जो इन्फॉर्मेशन ऐसी बनानी है जो कॉमन कॉमन हो, यानी कि जो सेंडर भी समझ सके और उसको रिसीवर भी समझ सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी है कम्युनिकेशन, तो ये इसका राइट आंसर। उसके बाद में हम और देखते हैं दोस्तों, इसमें क्वेश्चन करने को बहुत क्वेश्चन है दोस्तों, ये देखिए 2023 में भी हमारा क्वेश्चन आया हुआ, ये देखो कम्युनिकेशन हैज़ द पावर टू डिफाइन, परसुएट एंड इन्फॉर्म यूजर, इन्फॉर्म इन्फॉर्म इशू एंड इवेंट टू द पीपल। ये बात इसकी बिल्कुल सही है, ठीक है, कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के अंदर इतनी पावर होती है कि हम किसी को कन्विंस कर सके, उसको परसुएट कर सके, और किसी का जो इशू है वो रिजोल्व कर सके। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और यहाँ पे हमने 2023 तक क्वेश्चन आपको करवा रखे हैं, और इसमें क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, सभी क्वेश्चन एक क्लास के अंदर कर पाना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप ये सभी क्वेश्चन लेना चाहते हैं, ये स्टडी नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारा पेड कोर्स, हमारी ऐप निमिज नेट में आपको ये सभी चीज़ें, तो आप वहाँ पे जाके। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतने दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी अच्छी लगी होगी, तो आज के लिए अभी के लिए थैंक यू, वेरी बाय बाय दोस्तों। दोस्तों क्या आप दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट JRF क्लियर करना चाहते हैं? अगर हाँ तो दोस्तों हमने आप सभी के लिए एक स्पेशल पेड कोर्स लॉन्च किया है। इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश में नोट्स होंगे। नंबर दो पे दोस्तों आपको ऑल 10 यूनिट की एड फ्री वीडियोज मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोज हैं जिनको आप कभी भी देख सकते हैं, अपडेटेड वीडियोज है ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी हमने बनाई है। नंबर तीन पे दोस्तों आपको 2012 से लेके 2023 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन आपको मार्च 2023 तक जो भी क्वेश्चन हुए हैं वो आपको मिलेंगे। और नंबर चार पे दोस्तों आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन दिए जाएंगे, जैसे कि जो क्वेश्चन आज तक रिसर्च में आ चुके वो अलग है, टीचिंग के अलग, ICT के अलग, सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग किए हुए मिलेंगे। नंबर पांच पे दोस्तों आपको 2012 से लेकर 23 तक सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, यानी कि जैसे हम बात करें रिसर्च के अंदर, टाइप ऑफ रिसर्च के अलग है, टाइप ऑफ सैम्पलिंग के अलग है, टाइप ऑफ हाइपोथीसिस के क्वेश्चन आज तक जो भी आए हैं वो अलग अलग किए हुए आपको मिलेंगे। इससे आप ये पता कर सकते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको
मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों आप हमारी ऐप में लाइव मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं इस कोर्स के अंदर। इस कोर्स में आपको दोस्तों बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो दोस्तों अभी दशहरा ऑफर आपके लिए लेके आए हैं। इस ऑफर में आप केवल 599 रुपये में ये कम्प्लीट कोर्स ले सकते हैं। 2 महीने का ये कोर्स है, प्लस में 1 महीना आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिया जाएगा, यानी कि टोटल 3 महीने आप स्टडी कर सकते हैं इस कोर्स में। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस कोर्स को, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों।